Hello everyone and welcome back to this channel. So I hope you are doing great, well and fine. So as I said you, I will show my sample videos of DJI Osmo Action. तो अभी मैं इस कैमरा को टेस्ट कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ इसकी वीडियो क्वालिटी एंड ऑल्सो द नॉइस क्वालिटी एंड ऑल. तो इसलिए अभी व्लॉग कर रहा हूँ इसके थ्रू. सो यू कैन सी द वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी ऑफ दिस एंड काफ़ी सारे सैम्पल शॉट्स लिए विथ डिफरेंट डिफरेंट मोड्स. तो अभी आगे जाके और इसको टेस्ट करूँगा और दिखा दूँगा. सो द एंटायर व्लॉग विल बी शॉट बाय दिस DJI Osmo Action एंड यहाँ पर मेरे साथ गज्जू भाई भी है. सो एज यू कैन सी, हेलो गाइस. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, तो एंजॉय कीजिए. अभी ये DJI Osmo से क्या शूट करने वाला है मंथन, लेट्स स्टार्ट. तो अभी मैं और गज्जू भाई यहाँ पर आए हुए थे तो ऐसे ही बीच पे वॉक के लिए. सो आई थॉट कि हम लोग शूट करते हैं फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो आई विल गेट सम सैम्पल शॉट्स एंड ऑल. तो अभी आपको आगे जाके फुल व्लॉग में देखने को मिलेगा इसके थ्रू. तो देखिए एंड एन्जॉय कीजिए इस व्लॉग को. साइड से फ़ोन से शूट कर रहा हूँ एंड फ्रॉम दिस साइड आई एम बीन यूजिंग माय DJI Osmo Action. सी अगर आप इन दोनों में अगर आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है बिकॉज DJI Osmo Action है वेरी वाइड एंगल लेंस एंड ऑल की वजह से थोड़ा वाइड दिख रहा है बट इतना वाइड नहीं है. जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया था कि मैंने यहाँ पर जो वाटर शॉट्स है वो भी लिए हैं अंडर वाटर. तो जो जो इसके मोड्स वगैरह हैं एंड फीचर्स, तो उसको मैंने सभी टेस्ट किया है अभी. तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि अंडर वाटर शॉट, ये जो है सीशोर साइड पे है, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो वेव्स के वजह से यहाँ पर मैं एक्चुअल में क्लियर वाटर शॉट्स नहीं ले सकता हूँ इसके अंदर. तो इसलिए ट्राई किया जितना हो सके, जब पानी से तो जल्दी से जल्दी जाके मैंने शॉट्स वगैरह ले लिया क्योंकि जैसे वेव्स आता है तो उसके साथ सैंड भी कैरी करता है, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो थोड़ा सैंडी हो जाता है एंड वी कांट गेट क्लियर शॉट्स एंड ऑल. तो इसके लिए मैंने आपको जो शॉट था वो दिखा दिया है. सो बस इतना ही था यहाँ पर, जो भी सारे शॉट्स वगैरह जो मैंने लिए हैं तो आपने देख लिए होंगे. सो आगे जाके और देखेंगे हम लोग, अगर कुछ अच्छे मिले तो दिखा दूंगा आपको. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सो एज यू कैन सी काली रिवर ब्रिज. सो ये काली रिवर है एंड दैट इज़ अरेबियन सी. सो फ्रॉम देयर ये यहाँ पर आके मीट होती है. तो इस पॉइंट पे हम लोग आ गए थे, इसे बेसिकली संगम बोलते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू. अभी मैं शूट कर रहा हूँ 183/25 फ्रेम्स. सो अभी रॉक स्टेडी मोड इज बीन डिसेबल्ड, तो आप शेक्स वगैरह देख सकते हो. सो एज यू कैन सी, तो इसमें अभी आपको शेक्स वगैरह पता चल रहा होगा. तो अभी हम लोग रॉक स्टेडी मोड एनेबल करते हैं एंड उससे शूट करते हैं. सो राइट नाउ आई एम शूटिंग विद 180p/25 फ्रेम्स एंड नाउ आई हैव अनेबल द रॉक स्टेडी मोड. सो आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इसमें.
अभी मैं आपको दोनों वीडियोस कंपेयर करके दिखा दूंगा एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वीडियोस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल, सो दीज आर हुए। सो एंड इवन अभी जो मैं कार्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए शूट करने के लिए, वो गज्जू भाई का है। सो इवन आई वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर दिस। तो मैंने अभी तक मेरा कार्ड जो है अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, मतलब अभी करने वाला हूँ आगे। सो टेस्ट करने के लिए मैंने गज्जू भाई का कार्ड यूज़ किया था, सो आई वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर दिस। सो एंड इतना ही था इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।